मीडिया दिखाना नहीं चाहती बाबा साहब के मिशन को? देखिए, शायद इस मेले में जितने भी स्टॉल लगे हैं, हमारी तो एक ही विनती है कि अगर ये अपनी एकता का परिचय इसी तरीके से धरातल पर दें तो निश्चित तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा हो। ये सिर्फ ये नहीं कि जयंती और पुण्यतिथि के दिन ही हम बाबा साहब को याद करें, बाबा साहब का सबसे बड़ा सपना था कि शिक्षा, तो शिक्षा के लेकर जितने ये संगठन के लोग हैं, मेरी तो हाथ जोड़कर इनसे विनती है कि गाँव में, कस्बों में चौपाल लगाकर लोगों को शिक्षित करने का काम करें, क्योंकि शिक्षा के बगैर आदमी कुछ भी नहीं है। और शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मौजूदा सरकार में जिस तरीके से आउटसोर्सिंग के बहाने खास करके आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए यहाँ उपस्थित तमाम संगठनों को सड़कों पर आना चाहिए, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर। सवाल उठता है कि अभी वर्तमान समय में बाबा साहब का एक एक जो सिद्धांत है वो आज बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए 100% ज़रूरी है कि हम सबको एक होकर आवाज़ बुलंद करने की। बाबा साहब ने समानता की बात की, बाबा साहब ने साफ साफ कहा कि इंसान जो है इंसान से बड़ा धर्म नहीं है, धर्म इंसान के लिए बना है। क्या जो बाबा साहब का सपना था समता मूलक समाज की स्थापना करना, क्या उस तरफ भारत बढ़ रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। हम एक ऐसे युग में जी रहे जहां आज भी हम अपने भाई से छुआछूत करते हैं, जहां पानी पीने के लिए हत्या कर दी जाती है। ऐसे विकृत मानसिकता के लोग जब तक इस धरातल पर रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कैसी माने ये कर रहे हैं। और मानते तो सब है ना बाबा साहब को? देखिए मुंह में राम बगल में छुरी, वही बात है, मुंह में बाबा साहब हैं, आ वो पीछे से वो उनके सिद्धांत को नहीं मानते, दिन में वो महात्मा गांधी के माल्यार्पण करते, फिर गोडसे की बात कहते। बाबा साहब ने जो चीज़ें दी है, बाबा साहब ने सबसे बड़ी बात की है शिक्षा की, और शिक्षा समाज को ज़रूरी है। यहाँ जितने संगठन आए हुए हैं और जितने राजनीतिक दल के लोग हैं, हम अगर 10-10 रुपये भी प्रतिदिन निकालते हैं और अपने अपने हिसाब से लोगों को, अपने समाज को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा समाज शिक्षित होगा और भारत विश्वगुरु बनेगा। तो आपको नहीं लगता ये जो लोग आ रहे हैं शिक्षित लोग हैं? देखिए, आप वही आप लोग मोदी फिविया की बीमारी है। आप एक बात बताइए, जिस नगर निगम में, देश भर के नगर निगम में जहाँ नौकरियाँ थी वो नौकरियाँ खत्म हो गई। एक परिवार में एक आदमी को नौकरी मिलने का मतलब है उसकी 2-3 पीढ़ियाँ समर जाती है। तो आज अगर ये मौजूदा सरकार आरक्षण खत्म करके आउटसोर्सिंग के द्वारा नौकरियों पर रोक लगा दी तो उस परिवार का क्या होगा, उस परिवार के आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए इन लोग। निश्चित तौर पर ये हक की बात है, और संविधान में जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसके लिए हम सरकार से आंख में आंख डालकर बात करें और समाज के उन नेताओं को जो अपनी जाति के नाम पर, समाज के नाम पर नेता तो बन जाते हैं, नेता बनने के बाद वो गूंगे और बहरे हो जाते हैं, उनको भी सबक सिखाने की जरूरत। तो क्या आपके भी बाबा साहब नेता हैं, मानते हैं? क्यों नहीं मानते, हम भारत में नहीं रह रहे? एक टारगेट कर दिया गया ना कि इसी समाज के बाबा साहब नेता। देखिए, ये चंद कुत्सित मानसिकता के लोग हैं। अब इन्होंने भगवानों को जाति में बना दिया, महापुरुषों को जातियों से जोड़ दिया। अरे वो तो महापुरुष हैं जिन्होंने सबके लिए दिया, अब क्या इन्होंने समानता के अधिकार दी? बाबा साहब का संविधान क्या ब्राह्मण यूज नहीं करेगा, क्षत्रिय यूज नहीं करेगा, मुसलमान यूज नहीं करेगा, सिख यूज नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। देखिए, देश का संविधान बाबा साहब ने दिया है, और ये बातें अगर आप लोग करते तो हम समझते हैं कि शायद आप RSS के एजेंडा को चला रहे हैं। बाबा साहब सबके हैं, बाबा साहब देश के हैं और हम देश के हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं जो रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं? ये वो लोग हैं गोरे अंग्रेजों की नजायज औलादे हैं, जो नहीं चाहते कि देश आजाद हो, देश में अमन भाईचारा हो, देश में छुआछूत खत्म हो, पाखंड खत्म हो। क्यों तोड़ रहे हैं आप क्यों तोड़ रहे हैं? आपको उनके किन विचारों से असहमति है, आप ये तो बताओ। आखिर बाबा साहब ने आपका बिगाड़ा क्या कि आप मूर्तियां तोड़ रहे, स्याही फेंक रहे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं और विकृत मानसिकता का वो परिचय है। मूर्तियां से इनसे ना कोई जरूरत नहीं है पूजने की, बाबा साहब का ये कहना है। बाबा साहब को एक शिक्षित बनो, और अभी हमारा समाज
बौद्ध धर्म को लेकर के केवल 5% आदमी भी नहीं है, 5% आदमी भी नहीं है जी। अभी क्या है कि हाथ में कोई कलाई में बांधते हैं, कोई पूजा करने जाते हैं, कोई कहाँ करने जाते हैं, मतलब अंधविश्वास में ही नहीं है। हाँ, वो बौद्धिस्ट है ही नहीं है। बौद्धिस्ट बनने के लिए आत्मा को अंदर से जगाना पड़ेगा और एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हमें इस भगवानों से या इन डुप्लीकेट जो चीज़ है इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। हम बाबा साहब के मिशन को समझें और बौद्ध धर्म को मतलब समझ के चलें। एक प्रकार से मूर्ति पूजा या कोई भी चीज़ की क्यों जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि वहाँ इतनी 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, तो कोई बात नहीं है, लंबी लाइन से भीड़ को देख कर आपको लग नहीं रहा अभी तो 9 बजे हैं, इतनी भीड़ है। मेरा उद्देश्य ये है भाई जी कि क्या मतलब हमारे मिशन के मतलब शिक्षित होना बहुत जरूरी है और ये मंदिर और ये इन चीजों से छुटकारा मिलना जरूरी है। बाबा साहब का मिशन ये है। अगर मंदिर को भी माने और बाबा साहब को भी माने तो चलेगा? मंदिर किस लिए माने, कौन बैठा है उसमें जी बताइए आप, मंदिर में कौन बैठा है? मंदिर जाने से कोई कहता किसी का भला हुआ है? क्यों भला नहीं होता? बिल्कुल नहीं भला हुआ, 1% भी भला नहीं हुआ। सिर्फ आदमी अंधविश्वास में डूबता है और अंधविश्वास में डूबना अपने के मतलब समय का अंत करता है वो। जी पंकज जी ठीक कह रहे हैं क्या ये? देखिए भगवान बुद्ध के जो पंचशील के सिद्धांत हैं लोभ क्रोध निंदा, इसके अलावे भी और दो भी हैं, तो आप समझिए कि निंदा करना तो भगवान बुद्ध ने पहले ही मना किया है, क्रोध मना किया है, तो हम क्यों कर रहे हैं? हमें करना क्या है समझिए? बिहार के बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, हमारे यहाँ सभी धर्मों का समावेश है, हर आदमी की मानने की आज़ादी बाबा साहब ने खुद दी है। हम बेहतर कैसे हों, हम अपने समाज को बेहतर कैसे करें, हमें दूसरे पर आक्षेप करने से अच्छा मैं समझता हूँ कि कैसे हम अपने समाज को डेवलप करें। और जो भगवान बुद्ध ने और जो बाबा साहब ने बताए हैं, जो शांति का पाठ पढ़ाया है, जो अहिंसा का पाठ दिया है, जो उन्होंने भाईचारे का, क्रोध नहीं करने का, निंदा नहीं करने का और अपने आप को शिक्षित करने का, संगठित रहने का, जिस दिन हम शिक्षित होंगे संगठित रहेंगे हमारा समाज निश्चित तौर पर बेहतर हो। जी क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सारे धर्मों में कुछ ना कुछ बुराइयाँ हैं, मैं किसी की अवहेलना नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें सुधार तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल बुराई मत करो, लेकिन वो खुद अपने धर्म में सुधार कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो मेन मकसद है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बाबा साहब ने सिद्धांत दिया था। आज इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं संसद मार्ग पर, लेकिन मीडिया बड़ी नदारद रहती है यहाँ से। एक्चुअली मीडिया दिखाना नहीं चाहती बाबा साहब के मिशन को, वो ये चाहती है कि ये जहाँ है वहीं पर रहें, उसको दिखाना नहीं चाहती मीडिया। तो क्या लग रहा है समाज में जागरूकता आ रही है? इतना बड़ा जो जागरूकता आ रही है, काफी लोग जागरूक हो रहे हैं। मैं कहने ये चाहूंगा कि आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है और मैं अपना खुद किराया पाया हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ आने? हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे 40 साल हो गई मेरे भाई आते आते है? अरे तूने बहुत बढ़िया रहा, तूने कम से कम मेरी इज्जत तक रखी। आपने क्या संदेश देना चाहोगे समाज को आज है? क्या कहना चाहोगे समाज के लिए? समाज के लिए भाई हमारे देखा अभी यहाँ बहुत बढ़िया बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो किया है ना बहुत बढ़िया, अच्छा वो किया उदाहरण बहुत अच्छा सुधार किया है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में के पूरे आकाश में पृथ्वी में। जो लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं उनके लिए क्या कहोगे है? जो लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं उनके लिए क्या कहोगे? मैं नफरत करने वाला को दिल में तो प्यार ही नहीं है, प्यार होना चाहिए बाबा है, हाँ नफरत नहीं जी, है। मैं समाज के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ भेजें, पढ़ाएं और उनको बाबा साहब और अपने महापुरुषों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, ताकि समाज में जो अशिक्षित हैं उनको भी पता चले कि हमारे समाज में और हमारे समाज के ऐसे ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। आप आज पहली बार आए हैं संसद मार्ग पे, आते रहे पहले से? जी नहीं सर, ये हमें मीडिया के माध्यम से कभी दिखाया नहीं जाता ये प्रोग्राम जो भी यहाँ पे होता है, और आज मेरे साथियों ने मुझे बताया था तो मैं उनके माध्यम से यहाँ पे पहुँचा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है, और आने वाले समय में भी मैं करीब अपने गांव से, घर से, रिश्तेदारों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, और बाबा साहब का तो यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। हमें जो जानकारी अब मिली है हम आगे देंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अंकल जी कहाँ से आए?
मैं मध्य प्रदेश से छतरपुर जिले से क्या कहना है? मुझे क्या कहना, मैं संसद आसी से बसपा कार्यकर्ता हूँ, साहब कांसी राम जी के जमाने से, और समाज का काम भी करता रहा, आज भी करता रहता हूँ। कुछ उधर पोषण के लिए बच्चों के लिए जरूर किया है मैंने, मैं काफी समय में राजनीति में लगाता हूँ। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है, आप संसद मार्ग पर आए हैं, यहाँ तमाम भीड़ है, तमाम लोग आते हैं, पूरा मेला लगता है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप आज यहाँ पर? देखो, भीड़ लगाना, उनका पूजा करना, ये श्रद्धा का काम है, उनके बताए हुए कार्यों पर चलना, इस देश के अंदर मास्टर चाबी को प्राप्त करना अच्छी सोच थी, इस पे वंचित लोगों को हुक्मरान होना चाहिए, ये बाबा साहब की सोच थी, ये काम करना चाहिए समाज को। यहाँ जा यहाँ भीड़ लगाने से, घर में जाकर के राम राम पूजने से या मंदिर पूजने से बात नहीं मानना है, मानना है तो आत्मा से मानो और वही काम करो जो उन्होंने मैं प्रतिज्ञाएं बताई, एक लाइन पे चलो, हाँ 22 प्रतिज्ञाएं बताई हैं, उस पर यदि चलता है आदमी तो आगे बढ़ जाएगा, और यदि वो 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानता है तो कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा, ये सत्य वो जो है भ्रमित रहेगा।